चेहरे बने हुए हो, क्या आप मुख्यमंत्री के चेहरे के लायक हो? क्या क्या आपको राजस्थानी जनता शिकायत करेगी? क्या तो मुख्यमंत्री चेहरा क्या है उनको जो छिपा के रखा हुआ पीछे? कल मैंने सुना है कि जो युवा का घेराव 15-20 हज़ार लोग आए, 2 लाख की बातें कर रहे थे, 2 लाख लोग आएंगे, 15-20 हज़ार लोग आए थे। पर्सनल इतनी है वहाँ पर पूर्व की छिपा रखा है, धोबा मुख्यमंत्री नहीं है, कहो आगे उसको। अगर मुकाबला तुमसे मुकाबला होगा नहीं, तुमसे मुकाबला नहीं होने वाला, तुमसे तो मोदी के चेहरा होगा। अरे मोदी प्रधानमंत्री भाई, चुनाव तो हो रहा है राजस्थान की विधानसभा का, तुम्हें मोदी का चेहरा आगे जाना है। इतने तुम इतने नाजोगे हो, तुम हो नाजोगे मतलब तुम नाकाबिल हो, तो तुम क्या तो मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे हम लोग? मोदी प्रधानमंत्री, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ नहीं, मैं तो जो मैंने काम किया राजस्थान के अंदर, जो मैंने परफॉर्मेंस दी है, जनता के भले के काम किए, सोशल सिक्योरिटी की है, विकास किए, मैं तो चुनाव उसके आधार में लड़ना चाहूँगा। और मोदी जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, विश्व गुरु है, उनको क्यों ला रहे हो आप? अगर हिम्मत तुम्हें क्या, तुम पता करें 20-25 दिन ज्यादा यहाँ पर नेता बने बैठे हो, तो 25-30 साल में तुम इस युद्ध नहीं बन पाए हो, तुम्हारे चेहरे पर ही इलेक्शन आ जाए राजस्थान में आ जाए। 25-30 साल के तुम 5-6 बार चुनाव जीत गए हो, कोई 4 बार जीत गया, 3 बार जीत गया, जब तुम इतनी भी अभी क्षमता पैदा नहीं हुई है, ये तुम्हारे हाईकमांड तुम्हें अंडर वैल्यूशन कर रही है, तो आप इतने काबिल नहीं हो कि आपका चेहरा आगे रख के थोड़ा लड़ा जाए। मोदी जी के चेहरे में कहीं लड़ेंगे चेहरे में उसमें नहीं आ रही, मेरे समझ के परे हैं। और कह रहे हैं वो जो मुख्यमंत्री जो चोट लगी हुई है, वो पता नहीं क्या बोले, वो क्या सुझाव दिए हैं, फिर लगी है। अब बताइए राजस्थान की परंपरा में इतनी ऊंची बातें किसी ने नहीं करी है, इतनी निम्न स्तर का कमेंट कभी नहीं किए हैं।